ये पीछे गाड़ी तुम्हारी खड़ी है क्या? अरे सुनो ना, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे दो ना। लिफ्ट? हाँ, वो क्या है ना, मेरे दोस्त आगे निकल गए और मैं यही रह गई। तो मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा हूँ। अरे यार, इतनी ठंड में क्या ही करोगे, यहाँ खड़े होकर ताजी हवा ही खा रहे हो ना। तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? मतलब कुछ नहीं। कहाँ जाना है तुम्हें? बस थोड़ा सा आगे छोड़ दो। तुम्हें पता है मैं वहाँ पे क्या कर रहा था? हाँ पता है, ताजी हवा खा रहे थे ना। मैं वहाँ पे सुसाइड करने गया। क्या? हाँ। लेकिन क्यों? लाइफ बर्बाद हो गई, कोई एक अपना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। लाइफ बोझ सी लग रही थी लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैंने? कैसे? अगर तुम एक सेकंड और आवाज नहीं देती ना तो शायद मैं जंप कर देती। हे भगवान, थैंक यू। लेकिन ऐसे थैंक यू बोलोगे? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, थोड़ा अच्छे से बोलो। अच्छे से कैसे? अच्छे से मतलब एक कड़क चाय के साथ। रुको रुको गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे आपको सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, आप जीत सकते हो रियल कैश मनी। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं विनवत के बारे में, जहां पे आपको सिर्फ सवालों का हाँ या ना में आंसर देना है और आप जीत सकते हो रियल कैश मनी। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। यहां पे आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन मैच जीतेगा और आप जीत सकते हो रियल कैश मनी। गेम्स में गाइस एविएटर, तीन पत्ती, अंदर बाहर जैसी गेम्स भी हैं। गाइस यहां पे आपको मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट और विड्रॉल जब आपका मन चाहे तब, साथ में वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी। विनवर्स देता है आपको 50,000 रुपए तक का ज्वाइनिंग बोनस, आपको कुछ नहीं करना। इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, मेरे लिंक से जाना है, रजिस्टर करना और खेलना शुरू करना है। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, विनवर्स आपके साथ है, ये विनवर्स का वादा है। अब बोलो थैंक यू। यार कितनी तो अच्छी स्माइल है तुम्हारी, फिर मरने क्यों जा रहे थे? यार बहुत अकेला हो गया, अकेला घर काटने को दौड़ता है, तो सोचा एक बार में लाइफ को खत्म कर। मत सोचो ये बेकार की बातें, बेकार बातों को ना इग्नोर करना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? यार मैं ना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मसूरी घूमने जा रही थी, लेकिन वो लोग ना गलती से मुझे यहीं छोड़ गए और खुद आगे निकल गए। तो फोन कर लेती? वही तो, फोन ही तो करना था मुझे, लेकिन फोन भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं मेरा फोन कहाँ गया यार, लगता है कहीं खो गया। क्या मसूरी तक छोड़ के आऊंगा? अरे नहीं नहीं, मसूरी तक मत छोड़ कर आओ, मैं ना यहीं रुक के उनका वेट करती हूँ। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो होटल ले लूंगी और कल घर चली जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, ओके? अरे नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं रुकता हूँ यहीं। रुक जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब? मतलब ये कि मम्मी पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, तब से मैं अकेले अकेले बस। मतलब कोई तो होगा ना जिसके साथ रहती होगी? कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। और घर का? क्यों, घर चलना है क्या मेरे? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि घर कहाँ पे। यार मुझे लगता है अब नहीं आएंगे वो लोग, शायद वो चले ही गए। ये बड़े केयरलेस है तुम्हारे फ्रेंड। सब ऐसे ही होते हैं। तुम एक काम करो, मुझे मेरा बैग दे दो, मैं होटल ले लूंगी, तुम अपने घर जाओ। थोड़ी देर में ना रात होने वाली है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मेरा घर पास में ही है, वहाँ चल लो। आर यू श्योर? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पे आज कोई तो होगा मेरे सिवा। तो चलो ना फिर, खड़े क्यों, चलो चलो जल्दी चलो। ये मेरा घर। सही है, बढ़िया है। अच्छा तुम कुछ खाओगे? हाँ यार बहुत तेज की भूख लग रही है, कुछ खिला दो प्लीज। ठीक है, तुम सामान वगैरह रखो, मैं कुछ बनाता हूँ।
मैं ये कह रहा था कि तुम यहाँ पे सो जाओ और किसी भी चीज की नीड हो ना तो मुझे बता देना, मैं बाहर सो रहा हूँ सोफे पे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? वो मुझे यहाँ पे अकेले डर लग रहा है। क्यों? अंदर छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो अब तुम मेरे साथ आके सो जाओ ना। तो तुम कंफर्टेबल होगी? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ, हम आराम से सो जाएंगे, है ना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। चलो ठीक। आपका गर्म पानी। थैंक यू। तुम्हें पता है कल रात ना मुझे बड़े सुकून की नींद आई, बहुत ही चैन से, इतने टाइम बाद इतने आराम से सोई हूँ मैं, वरना अकेले डर लगता था अपने घर पे। अच्छा सुनो, तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, क्यों? तो क्या मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ यहीं रुक जाऊँ? मतलब ये कि देखो, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तो घूमने गए हुए हैं, मैं अकेले घर पे जाके करूंगी क्या, बोर ही हो जाऊंगी, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ रुक जाऊँ तुम्हारे साथ? हाँ प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर ना तुम्हें रोज मुझे कल जैसा खाना खिलाना पड़ेगा और घुमाना फिराना भी पड़ेगा, हम ना खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, है ना? डन। ओके। तेरी अखियां देख के चन शर्मों ने, तारे भी देख के लुक छुप जाने, अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी अदा जानिए तुझे न पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे, तेरी अदा जानिए तुझे न पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। अच्छा लगा भाई कि तू अब खुश रहने लगा है। हाँ यार, जीने का मकसद सा मिल गया है। अच्छा, नाम क्या है उसका? नम्रा। सही है, फिर बोल दे उसको अपने दिल की बात इससे पहले कि वो चली जाए। आजा। आ गए तुम? हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा था कि आज एक महीना हो गया, तुम्हारे दोस्त में ढूंढ नहीं रहे होंगे। क्यों, मैं बोझ बन रही हूँ क्या तुम पे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि वो परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, एक महीना हो गया आज। कोई किसी को नहीं ढूंढता, और वैसे भी मैं गायब होती रहती हूँ, उन्हें आदत है। डांस मतलब तुमसे मिला हूं पहली दफा ही, मिलके लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुलके, पर से भी गया जरा की उससे अपने दिल की बात। नहीं यार। अबे तू उससे जल्दी अपने दिल की बात करना, उसे क्या अपने घर नहीं जाना?
जाने की बात ही नहीं होती। मतलब? मतलब ये कि जाने की बात ही नहीं होती और ना मुझे जाने की बात करनी है। अबे तो अपने दिल की बात तो कर, शादी कर ले, फिर घर जाने की बात होगी ही नहीं। जल्दी करता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या हुआ, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? नुमरा तुम्हें पता है ना, ये मुझे दोबारा लाइफ तुमने दी है। हाँ तो? जब मुझे हर कहीं से अंधेरा दिखने लगा था तो भगवान ने तुम्हें भेज दिया, और मैं रोज डरता हूँ कहीं तुम वापिस ना चली जाओ, इसलिए बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। थोड़ा सोच के बताओ। कौन? ये लड़की तेरे साथ रहती है? हाँ, लेकिन आप कौन? हमरा है कहाँ? आप हो कौन? उसका हस्बैंड। हस्बैंड? लेकिन उसने तो मुझे कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो रखी है। आप झूठ बोल रहे हो ना? आप मेरे साथ आओ एक बार। ये हमारी शादी की कुछ फोटोज। हमारी शादी को 4 साल हो गए। पहले तो हम दोस्त ही थे, फिर हमने शादी कर ली। हमारा बहुत अच्छा परिवार था, हम बहुत खुश थे, और फिर हमारा एक छोटा सा बेटा भी हुआ। और फिर एक दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। नम्रा के सामने उसका बेटा मर गया। तब से उसको सदमा लग गया और वो अपनी मेमोरीज भूल जाती है। उसे बीमारी हो गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो अपने घर से निकल गई। वो भूल गई कि उसका कोई पति भी है या उसका कोई बेटा भी था। वो अक्सर ऐसा कर देती है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो? इस शादी के फोटोग्राफ्स काफी हैं। फोटोग्राफ्स तो एडिट भी हो जाती है। एक काम कीजिए, ये मेरे बेटे की फोटोज है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप उसे दिखाओ और उसके बाद सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यार तुम कहां गए थे? मैं तुम्हें पता है कब से ढूंढ रही हूं। नम्रा, 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 अच्छा भाई, चलता हूँ। थैंक यू सो मच, और आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी बीवी को इतनी केयर से रखा। और एक बात, अगर सच में उससे प्यार हो गया था तो इस प्यार की खातिर ही जीना। जैसा कि आपने बताया,
कि रमरा ने आपको दूसरी लाइफ दी है, तो दोबारा मरने का ट्राई मत करना। शायद भगवान ने आप दोनों को इसीलिए मिलाया था ताकि आप दोनों की लाइफ बच सके। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना उसका। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके बोले गया, जिए जो हम लगे सितम, अजाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने जब वफा निकला। So hey guys, कैसी लगी वीडियो? So hey guys, कैसी लगी वीडियो? Guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल होला बस को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और गाइज, जैसे कि मैंने वीडियो के मिड में बताया था, विन वर्ड जहाँ पे आपको सिर्फ ओपिनियन देना और आप जीत सकते हैं रियल कैश मनी, उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। जाके मेरे लिंक से रजिस्टर करो और खेलना शुरू करो। और यार मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे याद से, ताकि हम लोग